क्या माताओं को नौकरी करनी चाहिए? इस विषय के दो मित्रों के बीच संवाद। विद्यालय में नए आए विद्यार्थियों और अध्यापिका के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। तीसरा संवाद है बढ़ती हुई महंगाई के विषय में दो मित्रों के बीच संवाद। बेटी के विलंब से घर लौटने पर मां बेटी के बीच होने वाले संवाद को देखिए। बीमार बच्चे की मां और डॉक्टर के मध्य होने वाले संवाद को देखिए। किसी फिल्म पर चर्चा करते हुए मित्रों के संवाद लिखिए। परीक्षा भवन में देर से पहुंचने पर परीक्षा नियंत्रक और छात्र के मध्य संवाद लिखिए। दूरदर्शन कार्यक्रमों के विषय में पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखिए। किसी वस्तु को लेकर पाए बहन में होने वाले झगड़े संवाद लिखिए। वोट मांगने आए नेता और आम जनता के बीच होने वाले संवाद लिखिए। मनपसंद धारावाहिक की चर्चा करते हुए दो सखियों के बीच हुए संवाद लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको मैंने जो अभी बताए हैं वो टॉपिक पे आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।